तो आई होप गाइस आप लोग का चैनल मोनेटाइज हो गया तभी आप लोग इस वीडियो तक यहाँ तक पहुँचे हो। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग स्विफ्ट कोड क्या होता है पहले ये बताऊँगा और स्विफ्ट कोड कैसे फाइंड करना है। कोई भी अकाउंट आप कोई भी गौ से हो छोटा मोटा गौ से और कहीं भी आपका छोटा मोटा अकाउंट भी है लेकिन वहाँ से भी आप पैसा जो है अकाउंट में ले सकते हो। आपको कोई न्यू अकाउंट नहीं खुलवाना है, आपका जो अकाउंट है उसी अकाउंट में ले सकते हो। मैं पूरा प्रोसेस बताऊँगा और आपको एक भी टेंशन नहीं लेना है ब्रो, क्योंकि मैं जो प्रॉब्लम फेस किया वो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करने दूंगा और मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस के साथ जो बताऊंगा वो पूरा एक्सपीरियंस के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपका चैनल मोनेटाइज हो गया होगा, उसके बाद आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते होंगे कि जो है भाई यहाँ पे अभी जो है अकाउंट नंबर ऐड करने का ऑप्शन नहीं हो रहा है, मतलब ऐड पेमेंट जो यहाँ पे मेथड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, तो मुझे पता चला कि $10 कंप्लीट होने के बाद ही जो है अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आता है। तो मैंने इंतज़ार किया और मेरा $10 कंप्लीट हो गया और अभी मेरा $10 से भी कुछ ज़्यादा ही हो गया है और तभी मेरा जो है अकाउंट नंबर ऐड करने का ऑप्शन आया। जब मैं अकाउंट नंबर ऐड करने गया तो मुझे एक प्रॉब्लम आया, स्विफ्ट कोड। IFC कोड तो मैं जानता था, स्विफ्ट कोड नहीं जानता था। तो फिर मैंने सर्च किया, उसके बाद पता चला स्विफ्ट कोड होता क्या। IFC कोड तो हमारा जो अंदर कंट्री के अंदर यूज होता है, लेकिन स्विफ्ट कोड होता है जो कि दूसरे देश से दूसरे देश पैसा ट्रांसफ़र होता है, यानी अमेरिकी डॉलर जो हमारा यूट्यूब पैसा होता है वो इंडिया आता है। तो इंडिया आने के लिए एक दूसरे देश के लिए एक स्विफ्ट कोड बनाया जाता है बैंक के द्वारा, और जो IFC कोड होता है वो हमारे कंट्री के अंदर ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। तो आप लोग बेसिकली समझ गए होंगे कि स्विफ्ट कोड होता क्या है, इसलिए स्विफ्ट कोड जो है मांगा जाता है यूट्यूब में, क्योंकि यूट्यूब में तो इंडिया का पैसा होता नहीं है, वो डॉलर में होता है जो कि गूगल एडसेंस में आता है। आप बात करते हैं कि स्विफ्ट कोड फाइंड कहाँ से करना है। तो स्विफ्ट कोड फाइंड करने के लिए एक आपको वेबसाइट बताऊंगा और बहुत ही बेसिक वेबसाइट बताऊंगा जो कि डिस्क्रिप्शन में है। बहुत सारे यूट्यूब पे आप देखे होंगे और वहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आ रहा है, लेकिन जो मैं अभी नीचे लिंक दे रहा हूँ इस पर आपको टच करना है और ये बहुत ही खतरनाक मतलब है और सच है, मतलब फेक नहीं है, ये एकदम करेक्ट जो है वेबसाइट है जिससे मैं फाइंड किया हूँ। तो इसको आप टच कीजिएगा और यहाँ पे पूरा डिटेल आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए मैं स्क्रीन पे चलता हूँ और बताता हूँ। जैसे आप टच करेंगे ना उस लिंक पे तो आप यहाँ पे आ जाएगा और इसका जो है ज़्यादातर जो ऐसे नाम आता है IFSCSwiftCode.com, ठीक है। ऐसे आप टच कीजिएगा, लिंक पे आ जाइएगा और यहाँ पे पूरा डिटेल में आता है, ठीक है। और ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा कारगर है और कोई जल्दी यूट्यूब पे इसके बारे में नहीं बताया, तो मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इंडिया रहेगा, ऑटोमेटिक इंडिया। आपका कौन सा बैंक है, ठीक है, स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक, और बिहार यहाँ पे बिहार दे देना है, मैंने सब सेलेक्ट करके रखा है। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे सेलेक्ट करेंगे ना आपका स्विफ्ट कोड आ जाएगा, जो कि स्विफ्ट कोड ये है, देख सकते हैं यहाँ पे ये है स्विफ्ट कोड, इसको BCI इन कहा जाता है, दूसरे नाम से भी इसको जाना जाता है। इसी को देखिए कहा जाता है क्या क्या, यहाँ पे देखिए इसका टेक्निकल नाम भी है, रूटीन कोड, BIC कोड, बहुत सारा कोड नाम आता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ये SBI का है। और अगर आपका दूसरा किसी बैंक में है तो दूसरा बैंक के लिए भी यहाँ पे सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं बताता हूँ अभी। तो गाइस यहाँ पे इसी वेबसाइट को आप फिर से एक बार रिफ्रेश कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा और फाइंड किसी का भी आ जाता है। तो यहाँ पे बैंक आप सेलेक्ट, जैसे HDFC में है जो है, आपको फिर यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट करना है, बिहार डिस्ट्रिक्ट आपको जो भी है, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद जैसे मैंने दिया और यहाँ पे ब्रांच ने औरंगाबाद दे दिया, ठीक है। जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे आप देखते हैं स्विफ्ट कोड आ जाता है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे आ जाएगा और बहुत ही बेस्ट वेबसाइट है ये। आप बात करते हैं भाई स्विफ्ट कोड जो है आपका सर्च में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है। सर्च में नहीं आ रहा तो मैं पूरा अभी प्रॉब्लम बोला ना, मैं आपको शुरू से अंत तक बताऊँगा। आप ग्रामीण बैंक में है, पहले ग्रामीण जो गाँव का होता है वो छोटा मोटा बैंक तो चलेगा ही नहीं, जो कि उसका मेन ब्रांच होता ही नहीं है, होता भी है तो कहीं दूसरे जगह पे होता है, लेकिन यूको या SBI का बैंक होता है जो है छोटा मोटा बैंक होता है। लेकिन आपको वहाँ पे देखना है कि उस बैंक का मेन ऑफिस कहाँ है, सॉरी हेड ऑफिस कहाँ है, मेन ऑफिस यानी हेड ऑफिस, यानी आपका गाँव में यूको है और छोटा सा ब्रांच है तो उसका हेड ऑफिस कहाँ है, पटना भागलपुर, जहाँ भी मेन ऑफिस है बस उसका फाइंड करना शुरू कर दो। तो आपको जाना है और सर्च करना है कि मेन, जैसे कि आपका जो भी अकाउंट है, अकाउंट ब्रांच है, उसमें जाके पता करना है आपको, वहाँ पे जाके पूछना है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है, हमको स्विफ्ट कोड चाहिए। वो लोग नहीं बताएंगे तो आपको ऑनलाइन जाके सर्च करना है कि जो यूको बैंक का हेड ऑफिस नियर मी, मतलब कहाँ पे है आसपास आपके सिटी में, यानी कि आप भागलपुर में रह रहे हैं तो भागलपुर में हमको सर्च करना है कि यूको का मेन ब्रांच कहाँ है,
छोटा मोटा तो गांव में होता ही है, लेकिन मेन कहाँ है, तो मेन का आपको स्विफ्ट कोड डाल देना है। आप मेन अकाउंट में जैसे आएगा तो फिर मेन अकाउंट से पैसा आपका छोटा अकाउंट जो आपका जहाँ भी है उस अकाउंट में जाएगा, और आप अकाउंट में जाने के बाद आपका अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और इस तरह से पैसा आपका अकाउंट तक पहुँच जाता है। थोड़ा प्रोसेस लगता है लेकिन पैसा पहुँच जाता है। अगर आप लोग एफर्ट कर पा रहे हो तो आप बड़े अकाउंट में जाके अकाउंट खुलवा ली सकते हैं। तो मेरा ये छोटा सा एक वीडियो था, और आपको कोई भी डाउट आता है ना भाई, आप मुझे बेफिक्र कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं तुरंत जो है जवाब भी देने का कोशिश करता हूँ, और मुझे जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर भी करता हूँ। तो मैं जो मैं प्रॉब्लम फेस किया हूँ ना भाई, वो सभी चीज़ आपको वीडियो के साथ मैं शेयर करूँगा आगे भी। और मैं किसी का हेल्प नहीं लिया हूँ, मोनेटाइज तक अपने खुद से किया हूँ, हर चीज़ अपने से कर रहा हूँ, और पूरा एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके तक पहुँचता हूँ। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।